मुद्दे को लेकर? देखिए, ये बहुत दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि जो पंजाब पूरे देश को अन्न देती है, जो पंजाब पूरे देश की सुरक्षा करती है बॉर्डर पे, पंजाबी और पंजाब के लोग देश में कहीं पे भी गए हैं, पूरे वहाँ पे काम करके मेहनत से अपना 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 मान सम्मान कमाया है, ये बहुत दुख होता है जब कोई ऐसे बोलता है। कंगना रनौत जी को जो भी हुआ वहाँ पर, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी दोषी है उस पर, जो भी सही गलत पाए जाएंगे उस पर अपना निर्णय पुलिस देगी। लेकिन एक चुने हुए नुमाइंदे को इस तरीके से, पूरे पंजाब के लोगों को, पंजाबियत को, पंजाब से जुड़े हुए लोगों को इस तरह से गाली देना, ये शोभा नहीं देता, बहुत गंदी बात है। भारतीय जनता पार्टी की आदत ही रही है कि इसी तरीके से देश को बांट बांट के वो राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति को देश ने अभी अभी नकारा है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पा रहे। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की चीज़ों से बचनी चाहिए। देश सर्वोपरि होता है, देश एकजुट और इकट्ठे रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जनता देख रही है, इनके जितने भी अन्याय हैं, जितने भी ये अन्याय किए हैं किसानों के साथ, माँ बेटियों के साथ, हमारे साथ, देश की जनता के साथ, वो सब उसका हिसाब लेगी एक एक। लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं, पंजाब में 3 सीटें आम आदमी पार्टी को आई हैं, 13 सीटों का वादा किया गया था कि 13 सीटें नारे लगा के, लेकिन किस तरह के डैमेज को देख रहे हैं? और आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव है, आगे हरियाणा में भी चुनाव है, तो क्या कुछ तैयारियां और रणनीति बनाई गई है आपकी तरफ से, क्या चल रहा है? देखिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठन ने भी काफ़ी मेहनत किया। मुझे नहीं लगता है कि किसी और पार्टी के कोई भी और संगठन 50 डिग्री टेम्परेचर पे इतनी मेहनत किए होंगे, वो सबके सामने है। प्रश्न ये है कि चुनाव लोकसभा का था, नरेटिव बिल्कुल अलग था। लोकसभा के लिए जब वोट पड़ते हैं तो कई बारी जनता उसी हिसाब से देखती है कि वो ऑर्डर बनाती है कि भाई किसको देना है उसको वोट, तो उस हिसाब से इन्होंने, जिनने इनको वोट देना था उनको इन्होंने वोट दिया है। रहा सवाल पंजाब के लिए, तो पंजाब का काम जितने भी हमारी प्रॉमिसेस थे वो पूरी ईमानदारी से करेंगे, और हम पहले ही, हमारी पार्टी ने कहा था कि हम कोई राजनीति करने नहीं आए, हम अच्छी राजनीति देने आए देश को। स्कूल की राजनीति, हॉस्पिटल की राजनीति, गुड गवर्नेंस की राजनीति, धीरे 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 पंजाब के हर गाँव में, हर पिंड में, हर जगह ये फैलेगी और अच्छा होगा काफ़ी। देखिए, ये बहुत दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि जो पंजाब पूरे देश को अन्न देती है, जो पंजाब पूरे देश की सुरक्षा करती है बॉर्डर पे, पंजाबी और पंजाब के लोग देश में कहीं पे भी गए हैं, पूरे वहाँ पे काम करके मेहनत से अपना 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 मान सम्मान कमाया है, ये बहुत दुख होता है जब कोई ऐसे बोलता है। कंगना रनौत जी को जो भी हुआ वहाँ पर, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी दोषी है उस पर, जो भी सही गलत पाए जाएंगे उस पर अपना निर्णय पुलिस देगी। लेकिन एक चुने हुए नुमाइंदे को इस तरीके से, पूरे पंजाब के लोगों को, पंजाबियत को, पंजाब से जुड़े हुए लोगों को इस तरह से गाली देना, ये शोभा नहीं देता, बहुत गंदी बात है। भारतीय जनता पार्टी की आदत ही रही है कि इसी तरीके से देश को बांट बांट के वो राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति को देश ने अभी अभी नकारा है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पा रहे। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की चीज़ों से बचनी चाहिए। देश सर्वोपरि होता है, देश एकजुट और इकट्ठे रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जनता देख रही है, इनके जितने भी अन्याय हैं, जितने भी ये अन्याय किए हैं किसानों के साथ, माँ बेटियों के साथ, हमारे साथ, देश की जनता के साथ, वो सब उसका हिसाब लेगी एक एक। लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं, पंजाब में 3 सीटें आम आदमी पार्टी को आई हैं, 13 सीटों का वादा किया गया था कि 13 सीटें नारे लगा के, लेकिन किस तरह के डैमेज को देख रहे हैं? और आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव है, आगे हरियाणा में भी चुनाव है, तो क्या कुछ तैयारियां और रणनीति बनाई गई है आपकी तरफ से, क्या चल रहा है? देखिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठन ने भी काफ़ी मेहनत किया। मुझे नहीं लगता है कि किसी और पार्टी के कोई भी और संगठन 50 डिग्री टेम्परेचर पे इतनी मेहनत किए होंगे, वो सबके सामने है। प्रश्न ये है कि चुनाव लोकसभा का था, नरेटिव बिल्कुल अलग था। लोकसभा के लिए जब वोट पड़ते हैं तो कई बारी जनता उसी हिसाब से देखती है कि वो ऑर्डर बनाती है कि भाई किसको देना है उसको वोट, तो उस हिसाब से इन्होंने, जिनने इनको वोट देना था उनको इन्होंने वोट दिया है। रहा सवाल पंजाब के लिए, तो पंजाब का काम जितने भी हमारी प्रॉमिसेस थे वो पूरी ईमानदारी से करेंगे, और हम पहले ही, हमारी पार्टी ने कहा था कि हम कोई राजनीति करने नहीं आए, हम अच्छी राजनीति
देने आए हैं देश को। स्कूल की राजनीति, हॉस्पिटल की राजनीति, गुड गवर्नेंस की राजनीति धीरे 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 पंजाब के हर गांव में, हर पिंड में, हर जगह ये फैलेगी और अच्छा होगा काफ़ी।